वेलकम टू अवेंस इन्वेस्टमेंट्स। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का प्रॉफिट तो आप देख ही रहे हैं। अभी मैंने ऑर्डर्स क्यों लिए और किस वजह से लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी कोई मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो एक रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे देखो अभी मार्केट देख लो, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, ये हायर हाई बना के रहा था और ये ओके। तो इस पॉइंट पे देख लो आप, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ रहा था, मतलब डेट कौन सी है, 19 नवंबर। तो मुझे लगा कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। 29400 के ऊपर नहीं जाएगा ऐसा मुझे लगा, क्योंकि इस लाइन जो है ना, इस लाइन से, इस पर्टिकुलर लाइन से उसने रिवर्सल दिया था। इसी के वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ एक शॉर्ट सेल किया और आराम से 65 पॉइंट्स कमा लिए। ऑर्डर्स में आप देखते हैं, रिसेंट ऑर्डर्स का मैं आपको बता देता हूँ, देख लो। 29339 को मैंने शॉर्ट सेल किया और 29274 को मैंने बाय किया, मतलब डील क्लोज़ की। तो 65 पॉइंट्स आ गए और बाकी के जो डील्स है वो तो आप देखेंगे, वो ऐसे शॉर्ट सेल ही किया है मैंने। अभी 22287 को मैंने शॉर्ट सेल किया और मैंने 29250 को उसको क्लोज़ किया, मतलब 37 पॉइंट्स। तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन और बेस्ड ऑन मार्केट की मूवमेंट, या हमें इमोशंस से काम नहीं लेना है, जस्ट देखना है कि प्राइस कहाँ जा रही है, वो प्राइस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से और मूविंग एवरेज के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के नॉलेज से हमें ट्रेड्स लेने हैं। और कौन से भी आप ऑर्डर देख लो, विद इन 2-3 मिनट्स में डील क्लोज होती है, जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी जो है उसकी 1 मिनट में 100 पॉइंट की भी मूवमेंट आ सकती है, 50 पॉइंट की भी मूवमेंट आती है। तो हमें यहाँ क्विक बनना पड़ता है। अभी देखो 2 बजे लिया, फाइव 29256 को लिया था, शेयर शॉर्ट सेल किया, उसके बाद 2 बजे शॉर्ट सेल किया और 2:01 तक मैंने 29250 को उसको क्लोज कर दिया, वेट नहीं किया। क्योंकि वेट यदि करेंगे आप तो देर माइट भी चांस कि मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। तो जो भी है वो क्विकली प्रॉफिट बुक करने का, ओके। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का है और ये नीचे का जो है एक ऑप्शन का था, मुझे ऑप्शन में ज़्यादा मूवमेंट आज नहीं दिखी इसलिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस किया। और मेरा रिकमेंडेशन भी यही रहेगा कि आपका यदि फंड नियरली 50,000 या 1 लाख है तो आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करो, ना कि ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन का वैल्यू जो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर ही डिपेंड रहता है, लेकिन उसका वैल्यू और पैरामीटर्स पे भी डिपेंड रहता है, टाइम वैल्यू एंड ऑल अदर्स थिंग्स। तो रिकमेंडेशन यही है कि गो विद बैंक निफ्टी फ्यूचर, ओके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।